नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं रात की बड़ी खबर के साथ। न्यू गिनी में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया और न्यू गिनी के उत्तरी तट पर भूकंप का केंद्र रहा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। रात को ये भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए। सुबह 3:16 पर यह भूकंप आया, जानकारी है। पापुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र देश है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में द्वीपों का एक समूह है और यहाँ की राजधानी पोर्ट मॉरिस भी है। केवल 60 लाख जनसंख्या वाला ये देश जहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए, ये बड़ी खबर। न्यू गिनी में 6.5 तीव्रता का भूकंप लोगों ने महसूस किया। जब लोग आधी रात को सो रहे थे तब भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3:16 पर यहां भूकंप आया। इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यू गिनी, जहां पर देर रात लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। देखिए, आधी रात का वक्त लोग सो रहे थे अपने अपने घरों के भीतर और अचानक से लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए 3:15 के आसपास। देखिए, समूचे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम के करवट लेते ही हम सबसे पहले अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि कहीं उन्हें ठंड ना लग जाए, सर्दी जुकाम ना हो जाए। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे बच्चों से जुड़ी है। दरअसल जिस तरह की रहस्यमयी बीमारी ने चीन के बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है वो बेहद डराने वाला है। चीन के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि ये बीमारी आखिर है क्या। WHO बीमारी से जुड़ी हर बारीक जानकारी चीन से मांग रहा है, जबकि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। माहौल 4 साल पहले चीन में कोरोना की दस्तक जैसा है और आज भारत की बात हम कर रहे हैं क्योंकि चिंता पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत की भी बढ़ गई है। दिखाते रिपोर्ट। स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें चाहे दुनिया के किसी भी कोने की क्यों ना हो, लेकिन बेहद परेशान करने वाली है। तस्वीरें चीन के अस्पताल की बताई जा रही हैं, जहां बच्चे को एक हाथ में ड्रिप लगी हुई है और वो दूसरे हाथ से अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। पता चला कि चीन के ऐसे एक दो अस्पताल नहीं बल्कि तमाम अस्पतालों के भीतर ऐसे ही भयानक हालात हैं। अगली तस्वीर में देखिए, माता पिता हाथ में ड्रिप की बोतल लेकर लाइन में खड़े हैं ताकि बच्चे को डॉक्टर से दिखा सके। आपको सुनकर शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन सच ये है कि चीन में बच्चों के बीच फैल रही इस रहस्यमय बीमारी से हर रोज अकेले चीन की राजधानी बीजिंग में 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। तियानजिंग प्रांत के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में एक दिन में 13,000 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए पहुंचे थे। ये बीमारी इतनी ज्यादा संक्रामक है कि एक शहर से दूसरे शहर को अपनी चपेट में ले रही है। दुनिया में खौफ का माहौल है क्योंकि जिस तरह की चुप्पी चीन ने कोरोना संक्रमण के वक्त साध ली थी, वैसा ही मौन इस बार भी धारण कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जवाब मांग रहा है, लेकिन चीन इसे एक सामान्य घटना बताकर हर डर को खारिज करने में जुटा है। Ch-
चाइना की हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार किसी भी नई तरह के पैथोजन की पुष्टि नहीं हुई है। मल्टीपल पैथोजन है, मल्टीपल वायरसेस हैं जो कि सभी पुराने हैं, पहले से मौजूद, ना ही इनमें किसी तरह की कोई नई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखी जा रही है। WHO ने फर्दर डिटेल डेटा मांगा है जिसमें क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन प्लस एपिडेमियोलॉजिकल डेटा, इसके साथ ही लेबोरेटरी रिजल्ट, जिससे प्रोएक्टिवली सर्विलेंस प्लान बनाया जा सके। जबकि हकीकत यह है कि बिगड़ते हालात के बीच चीन में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। चीन में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कई स्कूलों में छुट्टी तक कर दी गई है। अब समझिए इस बीमारी में बच्चों को होता क्या है। इस बीमारी में न्यूमोनिया जैसे लक्षण होते हैं, बच्चों के फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और इसके साथ खांसी और तेज बुखार भी हो रहा है। ये H9N2 करके एक बर्ड फ्लू वायरस है, यानी कि ऐसा वायरस जो कि पक्षियों में बीमारी करता है और मनुष्यों में भी वहां से ये बीमारी आ सकती है। और वहीं माइकोप्लाज्मा निमोनिया यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि लंग्स में इन्फेक्शन करता है, इस तरह की जानकारियां अभी सामने आ रही हैं। फिलहाल बच्चों में काफी तादाद में बीमारी देखी जा रही है, सर्दी, खांसी, सर में दर्द या सांस लेने की तकलीफ, इस तरह से बच्चे जो हैं अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनके अस्पताल भी काफी हद तक फुल हो गए हैं। WHO ने चीन से जब इस बीमारी के बारे में जवाब मांगा तो चीन ने इसे मिस्टीरियस निमोनिया बता दिया। कुछ लोग इसे वॉकिंग निमोनिया भी कह रहे हैं। चीन के ही एक डॉक्टर ने बयान दिया है कि इस बीमारी के बारे में कह पाना मुश्किल है कि आखिर ये बीमारी है क्या। इस बीमारी में फिक्र बच्चों को लेकर है। बीमारी में सीने में जलन के साथ ही फेफड़ों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई वायरस ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। कोरोना के बाद एक बार फिर हमारा जीवन संकट में है। लेकिन ये है क्या, ये एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है और इसमें जो मेन कल्प्रिट्स आ रहे हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस आ रहा है जो कि 50% केसेस में पाया जा रहा है। एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, वो 25% केसेस में पाया जा रहा है। इसके अलावा RSV वायरस और इवन SARS कोरोना वायरस 19, इसके भी कुछ केसेस मिल रहे हैं। सवाल ये है कि जो रहस्यमय बीमारी चीन में पैर पसार रही है, क्या उससे भारत को भी खतरा है? क्या 4 साल पहले जिस तरह से कोरोना ने पहले चीन में दस्तक दी और फिर पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया, क्या वैसे ही खतरे की घंटी है? क्या हिंदुस्तान में बच्चों के लिए वाकई खतरा है और अगर हाँ तो उस खतरे से हमें कैसे निपटना है? इन तमाम शंकाओं और सवालों का जवाब आज हम अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। डॉक्टर्स चीन की इस बीमारी को डिकोड भी करेंगे, ये भी बताएंगे कि भारत में बच्चों का ख्याल आखिर कैसे रखना है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को फौरन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कहा है। एडवाइजरी में क्या क्या कहा गया है आपको दिखाते हैं। चीन में खतरे की आहट को देखते हुए हिंदुस्तान पहले ही अलर्ट पर आ चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में अस्पताल में बेड की उपलब्धता से लेकर दवाएं, टीके, मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन किट, टेस्ट किट, वेंटिलेटर जैसे सामानों की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। चाइना में फैला है इस वक्त एक रहस्यमय वायरस जिसको कहा जा रहा है मिस्टीरियस निमोनिया। आखिर ये बीमारी क्या है, इसको लेकर सवाल तो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन भारत सरकार भी इस वायरस को लेकर बहुत सतर्क हो गई है क्योंकि ये जो वायरस है इसका खतरा बड़ा हो सकता है और भारत तक आ सकता है। इसी को लेकर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है और उसने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि जो बीमारी है इससे लड़ने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना है, इसीलिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना तैयार हमें रहना है। कोई पण प्रकारनी परिस्थिति पर सरकार सतत ध्यान दे रही छे। कोई पण प्रकारे चाइना ने अंदर जे रीते न्यूमोनिया
फैलाई रो प्राथमिक रीते आईसीएमआर अने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेस एना पर ऑब्जर्वेशन करी रही है और आवश्यक पगलाओ लेवाई रहा है। एडवाइजरी जारी करके बच्चों और किशोरों में बीमारी के मामलों पर बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। जांच के सैंपल को लैब भेजने के लिए भी कहा गया है और चीन के एक अधिकारी के मुताबिक मार्च तक इसका खतरा ज्यादा बड़ा है। चीन में जो कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं किया जा सकता उसकी वजह भी जान लीजिए। Welcome to Inconvenient Truth. I'm your host, Jennifer Zheng. Jennifer Zheng, चीनी ब्लॉगर और सोशल एक्टिविस्ट, ये वो चेहरा है जिसने कोविड महामारी के दौरान चीन के चेहरे से झूठ और फरेब का नकाब दुनिया के सामने उतारा था और आज एक बार फिर जेनिफर चीन की भयावह तस्वीरें दुनिया के सामने लेकर आई हैं। Is COVID back or did it never leave? क्या कोविड वापस आ गया है या फिर कभी गया ही नहीं था या ये कोई नया वायरस है? इस वक्त चीन में बच्चों को बुखार, जुकाम और सांस संबंधित मामले देखे जा रहे हैं और यहां तक कि वाइड लंग से जुड़ी मौत की खबरें भी आ रही हैं। चीनी ब्लॉगर जेनिफर ने अपने ब्लॉग में चीन के अलग अलग अस्पतालों की तस्वीर को दिखाया है। ये तस्वीर बीजिंग के बाइचन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है जहाँ अस्पताल में एक दिन में 3,000 से ज्यादा बच्चों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। अब जरा इस दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, वो ही पीपीई किट। ये तस्वीरें हमारे भीतर कोरोना के भयानक दौर वाले खौफ की याद दिलाती है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सचेत और अपडेट रखना है। अगर हालात बिगड़े हुए ना होते तो चीन के स्कूलों के भीतर पीपीई किट पहनकर इस तरह से दवाइयों का छिड़काव ना किया जा रहा होता। ये तस्वीर बीजिंग के चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है जो चीन का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। अस्पताल का हाल देख लीजिए, लोगों का ऐसा हुजूम दिखाई दे रहा है कि पैर तक रखने की जगह नहीं है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड और बाकी सुविधाएं मिलनी तो दूर, इमरजेंसी में भी वेटिंग टाइम 24 घंटे तक का दिया जा रहा है। चीन की ब्लॉगर जेनिफर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन में इस नई बीमारी के लक्षण हूबहू कोविड और सार्स से मिलते हैं। Chinese experts said that this is a mixed infection of various respiratory. चीनी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कोविड 19, इन्फ्लुएंजा और माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया जैसी अलग अलग सांस संबंधी बीमारियों का सामूहिक संक्रमण है। क्या सच में ऐसा ही है? चीन में बच्चों के बीच फैल रही इस बीमारी को लेकर चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने 13 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बीमारी को बच्चों के बीच सांस से जुड़ी एक मामूली बीमारी बताया था, लेकिन 14 दिन के भीतर ही सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि चीन में कोविड प्रतिबंध हटने के बाद ये पहली सर्दी है। चीन इसे सर्दी के मौसम का सामान्य वायरस बता रहा है। हमने डॉक्टरों से पूछा कि चीन में जो बीमारी आतंक मचा रही है उसका सर्दी से कितना रिश्ता है और ये भारत में बच्चों के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकता है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भारत के लिए कितना खतरा होगा ये, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ज़्यादा रहस्यमयी बातें नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इलनेस है। इनमें से इनफैक्ट माइकोप्लाज्मा का तो ट्रीटमेंट भी है एजिथ्रोमाइसिन के जरिए, पर जब भी आएगा भारत में तो उस तरह से डील किया जाएगा। इनफैक्ट ये हो क्यों रहा है, इसको हम कहते हैं लॉकडाउन एग्जिट वेव्स या इम्यूनिटी डेट्स। क्यों होता है, क्योंकि अगर कुछ साल तक लॉकडाउन रहे तो उस समय में एडल्ट्स और बच्चों में नॉर्मल जो वायरसेस फैलते हैं, फ्लू के वायरसेस फैलते हैं या आरएसवी के वायरसेस फैलते हैं, वो नहीं फैले उनको उस समय में, तो इसलिए उनको उन वायरसेस की इम्यूनिटी नहीं आई।
और जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया तो क्योंकि इम्यूनिटी नहीं थी उन वायरसेस के लिए या बैक्टीरिया के लिए, तो सडनली वो एक स्प्लर्ज आया उन केसेस में। तो इसको इम्यूनिटी डेट की तरह देखा जाए कि जब ये दो तीन साइकिल्स हो जाएंगी इन वायरसेस की तो इम्यूनिटी आ जाएगी और फिर केसेस कम हो जाएंगे। भारत के पड़ोसी मुल्क में ये आफत आई है और कोरोना भी इसी तरीके से आया था। सच्चाई यह है कि अब दुनिया का कोई भी मुल्क किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता। इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शक, खासकर माता पिता, यही जानना चाहते हैं कि आखिर हम अपने बच्चों के लिए क्या सावधानी बरतें। तो जवाब सीधे आपको डॉक्टर से ही सुनवाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों का और कोमोर्बिड लोग जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं उनका खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। डाइट का विशेष तौर पे जिसमें सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, नींद अच्छी होनी जरूरी है और साथ के साथ हाइजीन का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, किसी भी तरह की सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सर्दियों में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा हाइड्रेशन आपकी ठीक बनी रहनी चाहिए। वैक्सीन जो फ्लू के लिए इस्तेमाल की जाती है अपने डॉक्टर से संपर्क करके अगर उसकी आवश्यकता है तो उसको भी लिया जा सकता है। देखिए, बच्चों के में जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं वो ज़्यादा इसलिए होती हैं, उनका एक लंग कैपेसिटी कम होता है, छोटे लंग्स होते हैं तो छोटा इन्फेक्शन भी उनमें बड़े की तरह दिखता है। तो इसीलिए बच्चों को प्रिकॉशन देना, उनके ग्रोइंग लंग्स पे इफेक्ट ना हो, ये सब एहतियात बरतनी ही पड़ेंगी। इस समय पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ साथ ये जो रेस्पिरेटरी अगर इलनेसेस का कोई एपिडेमिक आता है तो हमें बचाव के लिए दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो एक, बच्चों का न्यूट्रिशन हमेशा अच्छा रखें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। मास्क पहनाएं, अननेसेसरी पब्लिक प्लेसेस में जाने का कोई मतलब नहीं है और कमरे में एयर प्यूरिफायर लगाएं जिससे कि पोल्यूशन से भी बचा जा सके और वायरसेस से भी बचा जा सके। ठगी का एकदम लेटेस्ट तरीका आपको दिखाते हैं। अब तक जो आपने देखा और सुना वो तो ट्रेलर भर है, जो आप सोशल मीडिया पर लगातार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठगों का असली हथियार है लोगों को डिजिटल अरेस्ट करना। ये डिजिटल अरेस्ट एकदम नई थ्योरी है, मसलन आपको कंगाल बनाने का नया फॉर्मूला है। अरेस्ट जारी रखा और उसको है ना टॉर्चर करते रहे, टॉर्चर होती रही 17 दिन तक और उसने नहीं बताया। आगे हरियाणा पुलिस की टीम, उसके हर कदम को फॉलो करता एबीपी न्यूज का कैमरा। राजधानी दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर यह लाइव रेड पड़ी है मेवात के नूह इलाके में। पुलिस की तीन टीमें मेवात का चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं। हर पुलिस वाला हथियारों से लैस है, किसी के पास बंदूक है तो किसी के हाथ में पिस्टल और उंगली ट्रिगर पर। पुलिस आगे बढ़ रही है तभी अचानक गांव में भगदड़ मची। हमारे रिपोर्टर मनोज वर्मा भी तेजी से आगे भागे। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि एक अपराधी यहां पर छिपा हो सकता है। पुलिस ने तीन टीमें बनाई और उसके बाद यहां पर एक सर्च अभियान जो है मेवात इलाके में पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। और जो मेवात इलाका है, लगातार यहाँ के जो 40 गांव हैं वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं। गांव की संकरी गलियों में पुलिस ने जैसे ही कदम रखा कुछ नौजवान खेतों की तरफ दौड़े। अगले चंद सेकंड में पुलिस ने एक साइबर ठग को घेर लिया। यहाँ पर एक शख्स को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है और इसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक जो अपराधी है, साइबर क्रिमिनल है, वो छिपा है। इसी जानकारी के आधार पर रेड टीम ने यहाँ इस गांव में रेड करने के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। लाइव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जो एक अपराधी था उसको अब पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और इसको यहाँ से अब लेकर के जाया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी। ये रेड क्यों हुई? अरावली की इन पहाड़ियों की खाक
खाकी आखिरकार क्यों छान रही है? वजह है मेवात के 40 गांव, जिनके साइबर ठगों ने हरियाणा पुलिस की नाक में दम कर रखा है। अब इनसे मिलिए, यह है संदीप मंगला। हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है इनका परिवार और इलाके में जाने माने बिजनेसमैन है। इनकी बेटी अनन्या को साइबर ठगों ने 2.5 लाख का चूना लगाया, लेकिन कैसे लगाया ये सुनेंगे तो ठगी के सारे किस्से भूल जाएंगे। अनन्या के पास एक फोन आया कि हम लखनऊ कस्टम से बोल रहे हैं और एक कोरियर हमने पकड़ा है जिसमें कुछ पासपोर्ट और कुछ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, वो आपके आधार कार्ड या आपके नाम से जा रहा है, अगर ये आपका नहीं है तो आपको एक पुलिस कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। वही कॉल है ना, उस कस्टम वाले ने पुलिस वाले को ट्रांसफर कर दी। वो है ना, उसने कहा कि है ना मेरे को मम्मी को बताना पड़ेगा, वो मम्मी के पास आ रही थी तो इतने में पुलिस को ट्रांसफर हो गई। तो उसने सोचा पहले पुलिस से बात कर लेती हूँ फिर मम्मी को बता दूंगी। परिवार के होश उड़े हुए हैं, बेटी डिप्रेशन में है, वो ना कमरे से बाहर निकलती है और ना ही किसी से मिलती जुलती है, क्योंकि 18 दिन तक घर की लाडली डिजिटल अरेस्ट रही और ठगों का आदेश मानती रही। कैसे, अब इसका सबूत भी देख लीजिए। असली दिखने वाला ये लखनऊ पुलिस का नकली अरेस्ट वारंट है जो अनन्या मंगला के नाम पर जारी हुआ। 359, 360, 364A, 370, 390, 400 और 411 जैसी संगीन धाराएं लगी हैं। जाली अरेस्ट वारंट के बूते ठगों ने क्या खेल खेला ये अनन्या के पिता ने बताया। पर है ना, इसके दिमाग में बैकअप तो माइंड था कि है ना मेरे को है ना डैड से है ना 2,10,000 रूपये लेने अपनी हॉस्टल फीस जमा कराने के लिए, तो मैंने 2,10,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। 10,000 है ना इसने अपनी माँ से ले लिए, कुछ भी कह के कि यहाँ पे देने वहां पे देने। 30,000 रूपये इसने अपने दो दोस्तों से 15,000 रूपये लिए और 2.5 लाख रूपये उनको ट्रांसफर कर दिए। तो 2.5 लाख रूपये में उनका पेट नहीं भरा था, तो उन्होंने कहा अरेस्ट जारी है अभी तक। तो इसको है ना टॉर्चर करते रहे, इसको बोलते रहे कि है ना पापा का क्रेडिट कार्ड चोरी कर लो, कोई कैश या ज्वेलरी हो मम्मी की वो निकाल लो, तो हम बताएंगे वहां पे ड्रॉप कर देना आप। ठगी का जाल इतना सा नहीं था, फुल प्रूफ प्लानिंग थी और तरीका एकदम नायाब। अब सीबीआई के इस लेटर पर गौर कीजिए, ये लेटर भी अनन्या मंगला के नाम पर आया है। नीचे डेट लिखी है 10 अक्टूबर 2023 और लेटर के ठीक नीचे सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद के साइन है। ये अनन्या को डिजिटल अरेस्ट करने का ऑर्डर है, लेकिन लेटर और साइन दोनों जाली है। ये लेटर सीबीआई ने नहीं, साइबर ठगों ने भेजा है। इसने बोला मैं तो फरीदाबाद रहती हूँ, मैं लखनऊ नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि जो भी है, अगर ना आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ऐसे कीजिए कि आपको है ना हम साइबर अरेस्ट कर लेते। दो दिन बाद उन्होंने कहा कि हमने जज पे के सामने आपका केस प्रायोरिटी पे रखा था, अब है ना जज साहब ने कहा कि आपको है ना हम बेल दे देंगे, आप है ना 3.8 करोड़ रुपीज का आपका मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है तो उसका लगभग 5% आप 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपको हम है ना बेल दिलवा देंगे और फिर आप जब केस डिस्पोज ऑफ होगा तो ये आपके बेल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो हरियाणा का नूर जामताड़ा पार्ट 2 कैसे बन रहा है, इसी पर पूरी रिपोर्ट आपने देखी। देखिए ये डिजिटल अरेस्ट कैसे करते हैं, ये पूरा प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, कैसे लोगों को कंगाल बनाया जाता है, इसी पर एक डेप्थ रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है ये भी बताते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और आपको फ्रॉड अरेस्ट से बचा सकती है। साइबर अपराध का नया तरीका, साइबर ठग FIR या अरेस्ट वारंट की जाली कॉपी भेजते हैं, सीबीआई या पुलिस के अफसर बनकर बात करते हैं, स्काइप के जरिए लोगों पर दबाव बनाते हैं, स्काइप कॉल काटने पर जेल भेजने का डरावा देते हैं, ऐसा दबाव बनाते हैं कि पीड़ित घर से बाहर निकलता ही नहीं। मंगला परिवार की बेटी आखिर साइबर ठगों के जाल से बाहर कैसे निकली, उस रोज क्या हुआ जिसने अनन्या के पैरों में पड़ी डिजिटल अरेस्ट की बेड़ियां तोड़ दी। 28 तारीख को सवेरे ये टॉयलेट में थी और वो काफी देर तक आवाज नहीं आई होगी, तो उन्होंने अनन्या अनन्या दो बार या तीन बार चिल्लाया वो वहां से, तो वो घबराया या क्या किया, वो लॉग आउट हो गया पहली बार खुद ही।
है और आधे घंटे बाद उसने कहा कि आप ना आपको बेल मिल गई, नाउ यू आर फ्री। मंगला परिवार ने फरीदाबाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस को शक है कि ठगी का पूरा खेल हरियाणा के नू से ही खेला गया। जामताड़ा से भी खतरनाक हरियाणा का नू, ये हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की आखिरी चौकी है। चप्पे चप्पे पर चेतावनी चस्पा है। मेवात का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होते हैं और इसी इलाके से होते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बकायदा पुलिस ने यहां पर बैरिकेड पर मैसेज भी लिखवाया हुआ है, OLX फेसबुक मैसेंजर, ऑनलाइन ठगी व टटलूबाजों से सावधान। ठगी के धंधे में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं जो पढ़े लिखे हैं और शातिर भी। मेवात के गाँव साइबर ठगी के लिए बदनाम है। ये इस्माइल खान है, मेवात के इसी छोटे से गांव के सरपंच है। इस्माइल ठगी के गोरख धंधे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्होंने साइबर क्राइम पर चौंकाने वाली बातें बताई और समाधान का तरीका भी। वे साहब जी, मैंने दो बार पंचायत जोड़ ली गांव में जी, पूरा गांव भेड़ा कर लियो अगर, और हमने यू तय कर ली कि जो भी कोई बालक साइबर क्राइम करेगा वो आप हम 5100 रुपए का दंड करेंगे। कोई धंधो जब है ही ना है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बढ़िया कोई चीज ना है, तो अब ढाड़ो कोई थाली बाड़क रहे वहां तो काम में पड़ जावा। यानी झारखंड का जामताड़ा अब पुरानी बात है, ठगी का नया अड्डा हरियाणा का नूह बन चुका है। नूह के साइबर क्राइम हब बनने के पीछे एक वजह और है, और ये वजह ठगों का राह आसान करती है और पुलिस की चुनौतियों को कड़ा। दरअसल मेवात के रहने वाले ज्यादातर लोग ड्राइवर हैं और बहुत से ट्रक भी चलाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करते हैं और वहां से फर्जी दस्तावेज पर सिम खरीदते हैं और साइबर ठगों तक पहुंचाते हैं। इसमें जो भी साइबर फ्रॉडस्टर्स अरेस्ट हो रहे हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जो उनको सिम प्रोवाइड कर रहे हैं उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और जो कोई सिम प्रोवाइडर है और इसमें जो फ्रॉडस्टर्स को सिम प्रोवाइड कर रहा है बल्क में, तो उसको भी उस केस में अभियुक्त बना रहे हैं हम लोग। नू साइबर सेल में दिन रात मॉनिटरिंग हो रही है, साइबर सेल पर पैनी नजर भी रखी जा रही है, फिर भी पुलिस डाल है तो साइबर ठग पात पात। अगर आप ठगी की इन वारदातों से बचना चाहते हैं तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मोबाइल पर आए किसी भी लिंक पर सोच समझकर क्लिक करें। अगर कोई आपको फोन करता है और आपकी पर्सनल जानकारी यानी कि OTP या पासवर्ड मांगता है तो आप उसको बिल्कुल भी ये दोनों चीजें ना शेयर करें। इसके अलावा सोशल मीडिया साइट पर अगर आप एक्टिव होते हैं तब उस समय सावधानी बरतें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको साइबर ठगों से बचा सकती हैं। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ मनोज वर्मा, ABP न्यूज नू। तो साइबर क्राइम का जाल किस तरीके से लगातार फैल रहा है, इसी पर हमारी खास रिपोर्ट आपने देखी जो आपको सावधान करती है साइबर ठगों से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।